कांग्रेस की मोदी हिसाब दो भाजपा जवाब दो के तहत चंपावत में कांग्रेस नेताओं के द्वारा एक जनसभा की गई, जिसमें पिथौरागढ़ के विधायक व केदारनाथ समिति अध्यक्ष ने शिरकत कर जनता को संबोधित किया। रैली में कांग्रेस नेताओं ने जहां पीएम मोदी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, वहीं हर जनता के खाते पर अभी तक 15 लाख न आने पर भी सवाल खड़े किए। प्रश्न पूछना चाहती है कि हमारे खातों में पैसे आने, जो 15-15 लाख रुपए आने थे, वर्षों बीत गए हैं, लेकिन हमारी आस अब निराशा में बदलने जा रही है। आज हमारे देश की जनता ये पूछना चाह रही है कि जो गैस के सिलेंडरों पे जो सब्सिडी का पैसा हमारे खातों में वापस आता था, वो कम से कम होता जा रहा है और तमाम बहानेबाजी उसमें चल रही है, उसके प्रति आप जवाब दें। देवभूमि न्यूज़ चंपावत।